नमस्कार दोस्तों, आइए आज हम सभी फेस को साइनेबल बनाने के लिए कुछ एक औषधियों के बारे में जानते हैं। कैसे हम अपने फेस को खूबसूरत बना सकते हैं, त्वचा को बेहतरीन बना सकते हैं दोस्तों। इसके लिए 5 पॉइंट्स हैं दोस्तों। सबसे पहला पॉइंट है फेस वॉश। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले आप गुनगुने पानी से फेस को बहुत अच्छे से क्लींजिंग कर लीजिए, या किसी भी फेस वॉश से जो कि फेस को क्लीन करता हो, ऐसे एक फेस वॉश से फेस को अच्छे से क्लीन कर लीजिए दोस्तों। इसके बाद नंबर आता है स्क्रबिंग का। जी हाँ दोस्तों, फेस स्क्रबिंग। इसके लिए सबसे पहले आप पानी को गर्म कीजिए, और जब पानी उबलता है उस वक्त स्टीम निकलती है, स्टीम लीजिए फेस पे। इसके बाद गर्म पानी में तौलियों को डाल दीजिए। इसके बाद तौलियों को निकाल करके निचोड़ लीजिए, उसे फेस पर डाल लीजिए। ढका रहने दीजिए फेस को 2 से 3 मिनट या फिर 5-7 मिनट तक। फिर फेस में नमी आ जाएगी और पोन्स खुल जाएंगे दोस्तों, सारे रोम छिद्र खुल जाएंगे। इसके बाद आपको क्या करना है, फेस को सॉफ्ट हाथों से उसी तौलिए से पोंछ लेना है आपको। इसके बाद कोई भी सॉफ्ट जेल लेकर के, एलोवेरा जेल भी आप ले सकते हैं, और उससे फेस पर धीरे धीरे स्क्रब कीजिए, रब कीजिए उसको। इसके बाद पुनः आप गर्म जो तौलिया है, आपका गर्म पानी है, उसमें तौलियों को डालिए, निचोड़िए और उससे फेस को पोंछ लीजिए, क्लीन कर लीजिए। अब बारी आती है दोस्तों फेस मसाज की। कोई भी सॉफ्ट क्रीम ले लीजिए उससे, या ऑयल ले लीजिए उससे अपने फेस की मसाज कीजिए अच्छे ढंग से, अपने फोरहेड की, अंडर आइज की, नोज के आसपास, चिक्स पर और ठुड्डी पर, होठों के नीचे। आप सॉफ्ट हाथों से अच्छे से मसाज कीजिए 5 से 10 मिनट तक। इसके बाद पुनः आप फेस को उसी तौलिए से पोंछ लीजिए। इसके बाद फेस पैक का नंबर आता है। इसके लिए आप एलोवेरा जेल या फिर मुल्तानी मिट्टी का यूज कर सकते हैं दोस्तों। मुल्तानी मिट्टी का फेस पैक लगा करके फेस पर और छोड़ दीजिए कुछ समय के लिए। जब वो सूख जाए उसे पुनः आप गुनगुने पानी से धो लीजिए, फेस को वॉश कर लीजिए। इसके बाद मॉइस्चराइजिंग का नंबर आता है। कोई भी अच्छा सा सॉफ्ट मॉइस्चराइजर ले लीजिए, उसको पूरे फेस पर अच्छे से लगा लीजिए और रात को आराम से सो जाइए। जब भी कोशिश करें आप कि जब भी इस नुस्खे का इस्तेमाल करें तो रात को ही करें दोस्तों, आपके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। आपकी स्किन हेल्दी और ग्लोइंग हो जाएगी, और आप फेस के साथ साथ इसको बॉडी पर या फिर नेक पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आपकी स्किन हेल्दी और ग्लोइंग हो जाएगी। तो देखा दोस्तों आप सभी ने, आज हम आप सभी के लिए कुछ एक महत्वपूर्ण जानकारियां लेकर के आए थे। अगली बार आप सभी से जुड़ेंगे कुछ एक और महत्वपूर्ण जानकारियों को लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार दोस्तों।